मालगाड़ी की दो वैगन के पटरी से उतरने से अफरा तफरी मची है। वहीं मालगाड़ी के दो वैगन के पटरी से उतरने से अपलाइन बाधित हुई है। हालांकि हादसे में किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि डोमिनगर से यार्ड में आते वक्त मालगाड़ी के दो वैगन पटरी से उतरे हैं। वहीं मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंचकर डरेल वैगन को दुरुस्त कराने में जुटे हैं। इस मामले में पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह का कहना है कि धर्मशाला इलाके के पास मालगाड़ी के दो वैगन पटरी से उतरे हैं। मौके पर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी ड्रेल बोगी को पटरी पर लाने की कवायद में जुटे हैं। जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा। हालांकि सीपीआरओ ने ट्रेन के संचालन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ने की बात कही है। इसके साथ ही सीपीआरओ ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, एक मिनट आगे से अरे क्यों उसके भाजी सूचना मिली है कि एक बैलास्ट ट्रेन आरएमसी जो डोमिनगढ़ से गोरखपुर यार्ड में एंटर करते समय लाइन नंबर 8 में उसके दो वैगन पीछे से 12वां और 13वां नंबर डिरेल कर गए हैं, जिनके गाड़ी को जो है आगे से जो बाकी वैगन से उनको काट के हटाया जा चुका है। पीछे से जो बाकी वैगन से उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है। साइड पे ल्यूकस लाया गया है जिससे वैगन्स को रिरेल करने का प्रोसेस किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नॉर्थ लाइन बाधित है, साउथ लाइन क्लियर है, तो उससे गाड़ियों का संचलन चलता रहेगा। चूँकि ट्विन सिंगल लाइन है इसलिए गाड़ियों का संचलन प्रभावित नहीं होगा। देखिए अभी विगत कुछ समय में देखा जाए या विगत वर्षों में देखा जाए, 3-4 वर्षों में तो सेफ्टी से रिलेटेड काफ़ी कार्य हुए हैं और दुर्घटना पे अंकुश लगा है। बहुत ही कम सुनने में आता होगा आप लोगों को कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कुछ एक घटनाएं जैसे अभी हुई कि एक पहिया गिर गया, तो उसका रीजन जो है फाइंड आउट करने की कोशिश की जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी जो जांच करेगी और इसका रिपोर्ट देगी, इसमें जो भी कमियां पाई गई हैं उसको दूर किया जाएगा।
अभी जैसा कि मैंने बताया कि आगे के जो वैगन्स हैं उनको हटा दिया गया है, पीछे के वैगन्स को काट के हटाया जा रहा है। जैसे ये वैगन्स हट जाएंगे उसके बाद दोनों लाइनों से ही आवागमन चलने लगेगा।